रिस्पेक्ट दैट प्लीज. गलवान के बारे में बोलते हैं, पट्टी लगा देते हैं, हमारे हम आज दबांग की बात करना चाहते हैं, तवांग पे पट्टी लगा देते हैं, पर सच्चाई ये है कि गलवान के बाद 29% अगर हमारा ट्रेड बढ़ा है तो हमारा चाइना के साथ बढ़ा है. सर एक सेकेंड, और उसमें अंतर है, उसमें अंतर है. फॉलो रूल 1110, अदरवाइज आप जो बोलेंगे वो नहीं जाएगा. दैट्स व्हाई आई एम कैरिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स. आई डू नॉट नीड टू मेक अप स्टोरीज. देयर आर इनफ इन मोर डेटा टू प्रूव माय सेल्फ. यू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट. सो आई एम स्पीकिंग ऑन द सब्जेक्ट सर. प्लीज मैं आपको अंतर बताती हूँ इंडिया यूएस. बोले मैडम, इंडिया यूएस ट्रेड और इंडिया चाइना ट्रेड में अंतर क्या है. इंडिया यूएस ट्रेड का जो सरप्लस ट्रेड है वो $32.85 बिलियन है, 2021-22 के आंकड़े दे रही हूँ जो केंद्र सरकार से आए हैं. पर चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़कर $73.31 बिलियन हो चुका है. ये मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे वक्ताओं ने ऑलरेडी बोला हुआ है. पर गंभीर बात यह है कि चाइना जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, 1/3 ऑफ आर ट्रेड डेफिसिट, चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. तो यहां पर एक सवाल जरूर उठता है कि अगर चाइना के बारे में हमें बात करनी है, हम बार बार जैसे ही मैंने चाइना ट्रेड के बारे में बात की वहां से दिक्कतें आने लग गई, तो हमें हम मुंह पे सेलोटेप बांध लें. हम मुंह पे ये भी नहीं बताएं कि चाइना के साथ आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, आप एप्स तो बैन कर देते हो पर उन्हीं के फाइनेंशियल एप्स आज हमारे लिए डेड बर्डन बनकर रह गए हैं. उस पर चर्चा होनी चाहिए सर. अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट मोमेंटम है, कहा डॉलर बढ़ रहा है, इंडिया का रुपी वीकन कर रहा है तो हमारे एक्सपोर्ट प्रगति कर रहे हैं. एक्सपोर्ट ग्रोथ भी अगर आप देख लीजिए 0.5% ही रही है पिछले माह में. इंपोर्ट ग्रोथ सर, बस एक मिनट सर, एक मिनट सर, सर लास्ट वन मिनट. मैं ज्यादा समय वैसे भी आपका व्यर्थ नहीं करूंगी सर. हाँ मैं यही कंक्लूड करूंगी, कंक्लूड इसी बात से करूंगी. इंपोर्ट की भी जो डिमांड है वो कम होती जा रही है क्योंकि हमारी टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं वो इंटरनल डिमांड भी वीकन कर रही हैं. सर एक कहावत है, झूठ आज से ही नहीं अनंत काल से रथ पर सवार है, और सच जो है चल रहा है पांव पांव. जिस तरीके से फंड्स का मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर पे प्रहार हो रहा है, मैं तो हैरान थी पर शॉक नहीं थी कि ईडी के दफ्तर के लिए भी यहाँ से फंड्स लिए जा रहे. सर बस दो एक मिनट लगे सर, आपने सबको इंफॉर्म किया. तीस सेकेंड में कंक्लूड करूंगी. जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के लिए भी फंड लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से सरकार राज्य सरकारों को गिरा रही है, फंड्स उसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं.